जितना मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देवालय नहीं जा पा रहे हो, शिवालय नहीं जा पा रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो कि किसी का दिल ना लाना। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कल अपनी कथा चल रही थी, दो दिन से लगातार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का चरित्र चल रहा था। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम जम के बोलो रमेश था। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी, और उसने क्या करा था जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना, उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, ये हमारे वंश की वृद्धि करता। पांच वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा, पांच पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष, और पांचवें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये पांच वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए, अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की 2019 की कथाओं में वर्णन किया। यूट्यूब पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। पांच वृक्ष को काटने से पहले, पांच वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, बट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शिवमहापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है, और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और
प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर बोलबम का नारा है, और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है, जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हक तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हक तो छड़ी ना में कटी जवानी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करें। कई तर गए, कई आनु तर जाना, बाबा जी थका नाम जप गया। ना जाने कितने, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने लोग तर गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस मंजिल तक पहुंच गए। जितने सोचा ही नहीं था, जो सोची नहीं। एक एक माँ बैठी हुई है, कोई महिला बैठी हुई है, मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं, आइलैंड से आई हूं। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं, कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन तक इंतजार करा पर बच्चा रोया। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी तो उन्होंने हमसे कहा कि एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। हमने जाकर एक लोटा जल समर्पित करा, उस जल को लेकर आए, सिस्टर से बात कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच करा। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है, और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीवर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करेगा।
मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो शंकर की उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी बहुत बे खजाना कुबेर का। हे गंग धार मुक्ति द्वार ओम कार तू भोले, ओम कार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम जो शंकर की आराधना करें, हम जो शिव की भक्ति करें, हम जो शंकर का नाम जाप करें, हम जो शंकर का गुणगान करें, हम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वक्त से बड़ा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की विरल भक्ति की प्राप्ति। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब होगा, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब होगा, पर मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी के किसी चीज से मतलब नहीं। वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूं उसको, ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का, आप नारायण को दे दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले, अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता, जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विश्वरबा जी को वो मकान भाग गया था, और उन्होंने कह दिया था यह हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विश्वरबा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विश्वरबा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना,
ये कठिन विषय, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना, ये कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा, जल्दी बोलो। जल्दी सबने करा है, टिकट करवाया? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है, ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है। उसका नाम हम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक, कोई जाएगा? नहीं, कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी, राय जी पधारे हैं, समाज से भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत में जानते हैं। समिति के कर्मठ कार्यकर्ता है, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति, अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइएगा। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं, चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो। अरे सीट तो जाने दो कुबेरेश्वर धाम पर, जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में अपना पट्टा करा के रखते हैं, मेरी जीजियों वो हिलती नहीं है, तुम कितने ही प्रयास करो। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पांव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर लो, बोलो सही है कि गलत है? ठीक है, इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया, अब सीट घर ले जा, ले जाओगे? नहीं, स्टेशन आते से ही अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट, वैराग्य एक क्षण में आ गया, एक मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से बस स्टेशन आया और सीट छूट गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया उस सीट के प्रति, तुम्हारी प्रीति समाप्त हो गई। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठाकर दे दिया, वैराग्य है मेरा शंभु, मेरे शंकर वैराग्य धारण कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में,
अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं है, राख राख ही रहते। लकड़ी जलेगी भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी, कागज जलेगा राख बन जाएगी, कपड़ा जलेगा राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन, सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती, राख राख ही रहती, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं, एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं, ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवदूत महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है। जीवन पर्यान्त सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं, वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। ठीक, आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाई है, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना, स्कंद पुराण के हरि भक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरि भक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवती वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विट्ठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवती वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं, उसको परम भगवती वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये अनंतता का। कोई कह देता है कि ये व्रत ब्राह्मण करे, कोई कह देता है छत्री करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवदीप महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल ब्रह्म। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था,
शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त किया। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है, किसी और वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवती वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए, यह परम भगवती वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे, मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है, अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही अंत समय प्रभु, सब सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो जम के बोलो, वचन दिया तो। पर इसमें आप भी एक बात याद रख लेना, आपने महादेव को अगर वक्त दिया है तो वो भी फ्री होकर वक्त आपको देने के लिए आ जाए। आपने दिया है तो आप समय नहीं ना महादेव को, तो कौन है महादेव? कैसे एक पत्र है, देख मेरा नाम श्यामू भाई, पति का नाम इंदर सिंह बोड़ाने, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्यामू भाई पति इंदर सिंह बोड़ाने, मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं श्यामू भाई पति इंदर सिंह बोड़ाने, मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में निवास करती हूँ। गुरुदेव मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था, हमने कई वर्ष तक इंतजार करा, उसकी शादी को 12 साल निकल गए थे पर 12 साल तक भी औलाद नहीं। आप कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करो तो बाबा सुनता है, हमको विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों पागल हो रही, बस ईश्वर वाले के चक्कर में। ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले के मन के भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, वो इंदौर में कथा करने के लिए आ रहे हैं, जब मैं उस समय पर आपकी कथा इंदौर में हो रही थी
तब मैंने उनसे कहा कि वो इंदौर कथा करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इंदौर में जाकर उनकी कथा सुनूंगी। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक इंदौर की शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा से जो हमने मांगा, मेरी बहू मेरे साथ में रही, 7 दिन कथा का फल लिया, कंकर की पूजन करी, वहां की मिट्टी को उठाकर प्रणाम कर ले गए और बाबा की कृपा से 2023 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा गया। एलईडी पर आप फोटो और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो भी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 साल के बाद 2023 में मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति, 12 वर्ष के बाद प्राप्त। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे तो वो दिल से सुनता है। दिल से शिव तत्व की प्राप्ति। पानी की बोतल बांटने वालों से निवेदन है, जो छांव में बैठे हैं उनको बिल्कुल मत दो। जो धूप में बैठे हैं अपनी अपनी चादर लगाकर, और किसी किसी के पास में चादर भी नहीं, छाता भी नहीं, जो चिल चिला बैठे हैं, कृपया निवेदन है बाटल उनको बांटी जाए, पानी उनको दिया जाए। आपको बुरा लग जाए कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा ले, पर बोलो सही बात है कि गलत है। जो चिल चिलाती धूप में बैठे हुए हैं आप यहाँ बाटल ना बांटकर किसको, ठीक है? सब हमने पहले भी कथाओं में कहा है क्या क्या चीज सांस लेकर चलना है, पानी की 2 बाटल, बिछाने की 1 दरी, ओढ़ने का कम्बल, और जम के बोलो 1 छाता, क्योंकि टेंट इतना लग नहीं पाता, अपना छाता अपना तंबू अपना टेंट अपने साथ में लेकर चलिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करिए, वजन करिए। जो गर्मी में बैठे हुए हैं, चल चलाती धूप में बैठे हैं, उनको दो बड़े प्रेम से। करो भक्ति भगवान शिव की, अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए, वजन को अपने भीतर उतारिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठालो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं उठालो। आप उसको दिल से, वो दिल से सुनेगा, आप दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्मरण करेंगे, वो दिल से सुनता है। वैश्य उसकी धर्म पत्नी बेलपत्री का पौधा लगाना, संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र का नाम रमेश हो गया। खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारुक नामक का एक असुर पूरे मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़वा, कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं,
जो मंदिर देवालय शिवालय में ताले लगवा देते हैं और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवा कर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई कोई आ जाता है। कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं। उनका एक प्रश्न था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने काम इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी उसको तोड़कर बड़ा बनाना और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान करना। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। पादरियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़ कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचो। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पाता। जो बोल नहीं पाए सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के भारत की भूमि के काम का। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है, दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है, सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है, भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी, तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा, और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में, हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम, ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए, हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रेड चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या? हमने कहा आप एक काम करो, दो तीन दिन यही रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा,
कंकर शंकर की पूजन करो दो तीन दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तीन दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा रह गया। तीन दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है। गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रतन की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी, फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी, पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती है। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला है। अपनी गारंटी नहीं पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है, उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है पीछे तक, जहां जहां लोगों को आप मिल। अब बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं, और दो संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो सात दिन की विराम की, एक दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है, शिवरात्रि। तो एक तो इतनी कथा की शिवरात्रि, और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूध। अब दोनों का मिलन हो रहा है, और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बड़ा, दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, पति बोला क्या है, डॉक्टर कह रहे हैं एक महीने के लिए पेरिस चले गए घूमने के, आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे, कहां लेकर जाओगे। पति बोला दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है एक महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार, जब मूड ठीक हो तब मांगो। दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना, तो सालियां भी कह देती, नहीं जीजा जी हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देने ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे बताओ 300 का जूता, 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते, 1000 बचा लेते, पर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फेटा मेटा बांध के दूल्हा बना हुआ। तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले, और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये पत्नी भी कह देती है, देव जरा देव, ठीक है देना पड़ेगा।
देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन दो समय निकलता है, शिवरात्रि को चार पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सोमवार, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। ओ तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुकनम के सुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदार। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान? कोई कहते हैं एक लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा, धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है, महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिले। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया, भगवान थोड़ा समय और देना था इसको। अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की एफडी देना था। तो क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना। कोई मर गया, मरने पर कहा, वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था। पर क्या कहा आपने, भगवान थोड़ा समय और रख देना था बेचारे को, थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले, मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे, समय नहीं देता, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब
अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु न पड़ेगा। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चले जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चोखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम, मैं आ गया तेरी चोखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा, हम मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है, घर के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको तुरंत गले से लगाते हैं। मेरा महादेव तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हें तुरंत अपने गले से लगा। मेरा महादेव ना पाप देखेगा ना पुण्य देखेगा, मेरा महादेव तो केवल इतना देखता है किसके हाथ में एक लोटा जल है, निष्कपट भाव से दिल से मेरे पास आ रहा है, और बाबा ने उसको उतार। बस उसका एक तरीका, ना पाप देखा ना पुण्य देखा, उसने तो केवल भजन देखा। महाराज कल हमने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, शंकर भगवान के चक्र का नाम था, क्या नाम था? भवरेंद्र, शिवजी के चक्र का नाम। और शंकर भगवान ने एक चक्र का निर्माण करा था, वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान विष्णु को। भगवान नारायण ने अपनी आंख जब भगवान शंकर को दी थी, शिवजी त्रिनेत्रधारी हो गए थे, तो भगवान नारायण को उन्होंने चक्र दे दिया था, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। नारायण ने वो चक्र किसको दे दिया था? माता रानी को, दुर्गा भगवान को। देवी जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? परशुराम भगवान को। परशुराम जी ने वो चक्र किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से जनमानस का एक चक्र शंकर भगवान ने नारायण को दिया, एक चक्र मेरे शंकर भगवान अपने पास में रखे। भवरेंदु चक्र एक ऐसा चक्र था जो चक्र दुनिया के कष्ट को हरने वाला होता है, दुनिया के रोग को हरने वाला होता है, दुनिया के दुख को हरने वाला होता है। कलम ने उसका तरीका भी आपको बताया। एक चक्र होता है जो भगवान विष्णु के हाथ में है। भगवान नारायण ने चक्र देवी जी को दे दिया था, पार्वती जी को दे दिया, पार्वती ने परशुराम जी को दे दिया, परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को दे दिया, वो तो चले गए भगवान कृष्ण के। एक चक्र और भगवान नारायण के हाथ में रहता है, जिस चक्र का नाम कांता चक्र। कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, कांता। भगवान नारायण के हाथ का जो चक्र है उसका नाम कांता। कितना भी दुख, विपदा, कष्ट,
सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के, वो नारायण के, आप उसका भजन, आप उसका स्मरण, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका नाम जाप नित्य करते। और हमने कहा था दुर्गा भवानी के हाथ में जो चक्र रखा है, देवी जी ने जो चक्र दे दिया था परशुराम भगवान को, फिर उनके हाथ में जो चक्र रहा, उस चक्र का नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। कौन सा चक्र है? मृत्यु मंजरी चक्र। देवी भागवत, उसका नाम मृत्यु मंजरी। थोड़ा व्यासपीठ से बोलना उत्तम नहीं लग रहा है, पर फिर भी उसको बोला जाए, जिससे संपूर्ण भारत के जितने भी विश्व के माताएं कथाएं सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। मृत्यु मंजन। इसको अनायास ना ले, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना ले। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो सात दिन पांच दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है, तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले, केवल एक पुष्प माँ भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा प्रबल, ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों, मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंद का प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो?
तुमरुकेश्वर महादेव का, तुमरुका जी का नाम लेते हो, किस बार घुमाते हो कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है, ऐसे मृत्युमंजरी चक्र का स्मरण। जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिख कर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रस तत्व निकालते हैं आप तक पहुंचाते हैं उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है? माँ पार्वती जी के हाथ में, माँ दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में, जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग, मृत्यु मंजरी वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ, देवी के हाथ। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग एक पत्र है, नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? अच्छा ठीक है, हाँ दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे निकल कर आ जाओ। मेरा नाम नागेश्वर शर्मा, पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरे गले में मई 2021 में तकलीफ हुई, उस समय में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर था, मैं नौकरी पर था, ड्यूटी पर था, वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं थी तो मैं घबरा गया और मेरे गले में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तब मई के महीने में 2021 में जब तकलीफ हुई तो मैं वापिस गले में आराम नहीं लगा, तो जुलाई के महीने में 2021 में मैं एक महीने की छुट्टी लेकर अपने जिला बुलंदशहर में आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि गले में गांठ हो गई, अब गले में गठान हो गई और डॉक्टर कह रहे थे ये गांठ ठीक नहीं है। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन का, अब हम करें तो करें। हमने डॉक्टर से कहा इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे गांठ का, आप हमें दो महीने की दवाई दे दो, एक महीने की दवाई दे दो, हम दवाई खाकर देख लेते। हमने दो तीन डॉक्टरों को और दिखाया, सभी ने यही बताया। तब हमने दवाइयां खाना प्रारंभ करी और हम दवाई लेकर वापिस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए। तब हमने देखा कि वो गांठ में कोई आराम नहीं लगा, जैसी की जैसी थी। दो महीने की दवाई की जगह हम पांच महीने दवाई खा लिए पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे, आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन हमारे ऑफिस के किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कथा सुनी, वो कथा का स्मरण हमें कराया और टीवी पर हम कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी माँ ने भी मुझे बताया उस कथा के बारे में और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। हम जिस जगह ड्यूटी करते थे वहीं पर हमने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आचमन कराना प्रारंभ करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कुंभ तैश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना, मैंने उसी का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी गठान 80% चल चुकी है। केवल
20% और बची है बाबा, और मेरा देव अधिदेव महादेव से मैंने प्रार्थना करी थी कि जब मेरी गठान गलने लगेगी तब मैं कुबेरेश्वर धाम आकर कथा सुनूंगा, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। बाबा कराए शिव तत्व शंभु हो बीस परसेंट बची है और विश्वास इतना दृढ़ी है और वो कह रहा है कल कथा समापन होगी उसके बाद जांच करवाने जाऊंगा तो मेरी गठान नहीं होगी, मैं विश्वास के साथ भरोसा है ये दृढ़ता। और एक बात बहुत अच्छी के कर गया, मैं कर्मचारी हूं एक छोटा सा, पर मुझे भी कथा कराना है, मेरा भी मन है मैं कथा कर। और वो घड़ दानी है उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव भंडारी है, वो हम उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर अब तो ना टालो गिरा जा रहा विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर भगवान को तुलसी बाबा ने विश्वास कहा। और जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां शिव, विश्वास नहीं तो देवाधिदेव महादेव भी नहीं, भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। एक एक 400 किलोमीटर की दूरी से कम से कम 10 से 12 लोग पिछले वर्ष भी बाबा के धाम आए थे, उसके पहले भी कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्षोत्सव में आए थे, उसके पहले के भी रुद्राक्षोत्सव में पैदल चलकर आते हैं और एक साल में एक बार आते हैं और जो मांग कर ले जाते हैं वो वापिस फिर अगले वर्ष मांगने आ जाते हैं। ऐसा ये आओ आओ पधारो पधारो आ जाओ, 8-10 लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप आया हुआ है, वैसे पैदल चलकर। रमेश दारुक नाम का असुर देवालय शिवालय तोड़ रहा, पूजन से विमुख कर रहा, पूजन से। एक निवेदन नाम आप लोगों से कर दें, टीवी के माध्यम से जितने भी भक्त लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उन सभी का निवेदन जो मैसेजों के माध्यम से आया है कि हम जितनी भी जगह की कथा सुनते हैं आखिरी दिन की कथा हमको डीलाइट सुनने को मिलती है और हमारी पूजा हमारी कथा अधूरी रह जाती है, इसलिए कम से कम कुबेरेश्वर धाम हम नहीं पहुंच पाए तो कम से कम यहाँ की कथा हमको लाइव दी जाए, 1 बजे से 4 बजे तक ही दी जाए।
तो आप सबने जो मैसेज करे हैं उसके लिए धन्यवाद। बाबा की धरा से उनका कहना है यहाँ की कथा हम लाइव सुन लेंगे तो हम अगले साल जजमान बन जाएंगे, इसलिए हमको कथा लाइव सुनाई जाए। तो जो कथा सुबह 8 बजे थी उसकी जगह कथा वही कितनी बजे 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगी। और वो जो लाइव सुनने वाले हैं उनके, और उन्होंने एक चीज और लिख के भेजी है कि आरती जरूर दिखाना तब हमारी पूरी होगी। तो कल 1 बजे से 4 बजे तक का ही समय, अगर आप लोग इतना, वैसे हमको कल क्या है जाना भी था एक जगह शाम के टाइम पर, हम 3 बजे तक निकलने वाले थे, पर कोई बात नहीं, बाबा की कृपा उधर का कार्यक्रम कैंसिल करते हुए ये 1 बजे से 4 बजे तक कथा का कार्य रहेगा। भाव से आप लोग सबर, कितने खुश हो गए तुम लोग तो, गजब। हरा हरा बोल बम का नारा है। तो जो नियम की कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, जो नियम से कथा सुन रहे हैं उनका नियम नहीं टूटेगा, वही क्रम वही समय उनके स्मरण में रहेगा, इसलिए कल कथा आपको लाइव ही मिलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। शिव कथा वही अब इसमें से भी कुछ लोगों को तो टेंशन हो गया होगा मेरी गाड़ी का क्या होगा, जो तैयारी कर लिए होंगे। अच्छा तुम कहो तो 8 बजे धर दे, हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है, 1 बजे ठीक है। हाँ तो बस, तो दोनों हाथ उठाकर हर हर शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान शंकर ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, सारे पूरे विश्व से यही मांग थी मैसेजों के माध्यम से, हर प्रदेश से ये मांग थी कि यहाँ की कथा कम से कम लाइव दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग बड़ी आस से कथा सुनते, सब दूर हमको डी लाइन मिलती है, तो कम से कम यहाँ की कथा लाइव दी जाए। तो वो 1 बजे से 4 बजे शिव कथा शिव कृपा ओ घड़ी है शंभु, ओ घड़ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा का बड़े भाव से वर्णन कर रही है। रमेश जिस मंदिर में पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते करते रमेश उसकी माता और उसके पिता को वहां से उठाया गया, खेत में पटक दिया गया। अब देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जो प्रागट्यता हुई वह साधारण भाव में नहीं हुई, साधारण कामना। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जसपाल जी अरोरा जी यहाँ पर विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद वंदन। एक आनंद का विषय, एक आनंद श्रीमती अमिता भाभी जी भी उनके साथ आई हुई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर रमेश उसके माता पिता सबको कैद में डाल दिया गया, और कैद में जहां बेड़ियां बांधी गई, और बेड़ियां एक खूंटे से बांधी गई थी, जरा ध्यान देना बहुत सुंदर संवाद है। बेड़ियां बांधी गई, बेड़ियों को एक खूंटे से बांधा गया, एक खूंटे से, खूंटा जानते हो, गाय भैंस बकरा बकरी इन सबको जो बांधते हैं खूंटे से, वैसा
वैसा ही उनको बांधा, वैसा ही उनको बांधा। और अब प्रतिदिन शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था, प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। अब कैद में पड़े हैं और कैद में पड़े हैं और शिवालय का पूजन का नियम कैसे टूट जाए, ये कई बार नियम के चक्कर में ही तो अभी अभी जैसे कई माताओं ने मैसेज करा कि हमारा नियम है, हम 7 दिन की कथा सुन रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की तो हमको 1 बजे सुना, ये नियम की तो बात है। खूटे से बांधा था जिस, और जिस खूटे से बांधा था रमेश को, उसके माता पिता को, उनका जो नियम था भगवान शंकर की भक्ति थी, करें क्या, जिस खूटे से बांधा गया था उसी खूटे के चारों तरफ माता पिता और रमेश बैठ गए और भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करा। अब खूटे की आकृति को उन्होंने शिवलिंग की आकृति जैसा समझा। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नियम बोलबम का नारा है, आपने उसका आराधना करी उसकी पूजन करी है तो वो शिव तत्व प्रदान जरूर करे। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो खैर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं, अभी क्या चल रहा है, मार्च, फिर आएगा जम के बोलो जरा अप्रैल, और तीसरा महीना मई, बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना, 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना, वो वापिस बुला लेगा। अब कई लोगों के मन में आता है हम 3 महीने बाद आएंगे, हमारा आना नहीं होगा, हमको क्यों नहीं आना होगा, ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा, बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा तब आना। काय को कमजोर समझो, विश्वास पक्का है ना, जम के बोलो जरा पक्का, भरोसा जड़ी रखना, और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा निश्चित। करेगा, सुने, अपने भरोसे को पक्का रखो। उन्होंने वो जो खूटा था उस खूटे में शिव को दीदार करा, उस खूटे में शंकर का दीदार करा, उस खूटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार कर। बैठ गए, आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं, बताओ सब लोग मां जूता पहन के निकल रहे हैं और ये बैठी है दिया लगाकर,
बोलो सही है कि गलत है? सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहनकर निकल रहे, वहां ये पांच कंकर ढूंढ के बैठ गई और अब जल चढ़ा रही है, अगरबत्ती लगा रही है, लगा दिया, कहीं बेलपत्र चढ़ा दिया, कहीं कुछ चढ़ा दिया, और सब वहीं से जूता पहनकर जा रहे, चप्पल पहनकर जा रहे, पांव रख कर जा रहे, और तुम उसकी आराधना में लगे हो, क्योंकि तुम ना तो उसका जूता देख रहे, ना तुम उसकी चप्पल देख रहे, ना तुम उसका पांव देख रहे। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि तुमने बस कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा। तुमने केवल कंकर में शंकर देखा, उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, केवल शिव को देखा है। केवल शिव। और जिस दिन तुमने शंकर को देखना प्रारंभ किया, उस दिन तुम्हारा जीवन की एक आनंदता अपने एक बच्ची को देख। पत्र भेजा है, मैं महेश वर्मा, मेरी पत्नी रजनी वर्मा, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जानपुर बावड़िया का हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? हमारी बेटी एकदम अचानक से, मेरी बेटी दृष्टि वर्मा पलंग से नीचे गिर गई, उसके दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसकी श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, रेनबो हॉस्पिटल में हम बच्ची को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के अंतर्गत नसें काम नहीं कर रही, इसलिए वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसका बचना मुश्किल है। हमें रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया इसका बचना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची का फोटो उन्होंने लगाया है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो पर बच्ची का प्रतिबिंब देखेंगे, जिसके अंतर्गत उसके शरीर की नसों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी, जिस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज नहीं है और ये बच्ची का समय कम आए है। बच्चे ना आए, ठीक है, अच्छा बाहर होंगे। बीमारी इतनी तेज बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया ये वो बीमारी है जो लाखों बच्चों में से एक में हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर दिया। हम लोग बड़े टेंशन में आ गए, अब उसके रहने का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं। बच्ची मेरी एक महीना हो गया वेंटिलेटर पर पड़ी रही दादा, एक महीने तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही। तब गुरुजी, हम सीहोर जिले में रहते हैं और आपके पास में ही रहते हैं, फिर भी हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। हम सीहोर जिले में रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, पर हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। पर मेरी बेटी जब बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, उसको एक महीना वेंटिलेटर पर हो गया, तब उसी जगह पर डॉक्टर के यही काम करने वाली एक नर्स ने कहा कि तुम सीहोर पास में है, तुम इस बच्ची को वहां ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो, वहां बच्ची नहीं जा सकती तो बाबा से कहकर वहां का रुद्राक्ष ले आओ, प्रार्थना करो वहां, एक बार अगर आपने जाकर वहां का रुद्राक्ष लाए, उसका जल दिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची डॉक्टर एक महीने से वेंटिलेटर पर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि उठेगी तो ये जिंदा है कि नहीं। पर आप भरोसा रखो, हमारा विश्वास आप पर नहीं था, हम भले सीहोर के पास के हैं गुरुदेव, पर भरोसा नहीं टिक पाया। पर जान गए गुरुदेव, कथा कथा होती है। हमने डॉक्टर से कहकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और कोमा में पड़ी हुई बच्ची को, उस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बच्ची को शिव महापुराण की कथा मोबाइल से सुनाना प्रारंभ करी, जिसके डेढ़ घंटे बाद बच्ची के शरीर पर हलचल उत्पन्न हुई और बच्ची के चेहरे पर रौनक आई। तब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको दिया और बेलपत्री दी, तब मेरी बच्ची बाबा की कृपा से आराम लगना प्रारंभ करा। आज मैं अपनी बच्ची को लेकर प्रणाम करने के लिए आया हूँ गुरुदेव, मैं
जिला सीहोर ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी। इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, इसके हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई। जो बीमारी इस बच्ची को हो गई थी सारी रिपोर्टें इस बच्ची की लगाई गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शम। हमारा तो इतना सा कहना है, आप सीओर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर मेरे महादेव पर भरोसा पूरा करो, पूर्ण भरोसा रखे, पूर्ण उसका भरोसा खाली नहीं जाएगा, उसका भरोसा खाली नहीं जाएगा। हम पहले भी आप लोगों को कहे हैं, मीराबाई जब तक पृथ्वी पर रही तब तक मीराबाई को पहचानना कठिन था, नामदेव जी पृथ्वी पर रहे तब तक नामदेव जी को पहचानना कठिन था, स्वामी विवेकानंद जब तक रहे उनको पहचानना कठिन था, रामकृष्ण परमहंस रहे उनको पहचानना कठिन था, भगवान के भक्त ध्रुव हो प्रहलाद हो भक्ति में डूबने वाले को पहचानना कठिन होता है। आप किसी को मत पहचानो, पर देवदिगम महादेव को जरूर पहचानो। वो है वो है तो सब कुछ। आप भले आपको लगता हो कि इतने लोग आते हैं सब पगला गए या बेवकूफ हो गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है, तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। इतने भी समझदार मत बनना कि शंकर को पहचान ना पाओ और अपनी पूरी जिंदगी आप व्यर्थ में गवा बैठो। इतना भी समझदार शिव तत्व को जान, एक लोटा जल को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो, और जिस दिन तुम शंकर को जान गए तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और देखो भाई, शिव महापुराण की कथा तो कहती है जब तक जीना है तब तक सीना है, जिंदगी है तब तक लोगों को सुनना भी है और धारण भी करना, पर अपने भजन में कमी नहीं आना चाहिए, अपने स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए। शिव भक्ति को धारण करिए। रमेश ने उसके परिवार ने खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में। अब जरा विचार करिएगा, वो खूंटा तो बेड़ियां बंधा हुआ था, वो खूंटा तो बेड़ियों से बंधा हुआ था, उसमें शंकर को देखा। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, गला पकड़ रहा है माई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, अगर मानोगे तो वो गंगा मैया है, मानोगे तो कंकर में शंकर है, और नहीं मानो तो बड़े प्रेम से भंडारा खाओ। पर यहां जितने भी आए हो ना, तुम भंडारे के लिए नहीं आए, तुम भंडारा लुटाने के लिए, भंडारी को पकड़ने के लिए आए। यहां भंडारा खाने वाले नहीं, भंडारा लुटाने वाले।
और भंडारी को साथ में ले जाने वाले या तुम्हारी भक्ति सरल नहीं है। कोई अगर तुम्हें 500 रुपए भी दे देना और तुमसे कह दे कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बिना छाते के सिर पर कुछ भी नहीं, जमीन पर फर्श नहीं, और कोई तुमसे कह दे मैं तुझे 500 रुपए दूंगा यहीं बैठे रहना, एक जैसा मैं 500 रुपए दूंगा तुझे बैठे रहना, एक जैसा धूप में चिलचिलाता, एक बजे कथा चालू होने वाली है, तुम लोग सुबह 8 बजे 7 बजे 6 बजे से एक जैसी जगह संभाल कर बैठे रहते हो और जब तक कथा 4 बजे पूरी नहीं हो जाती तब तक उठते नहीं। तुम भंडारे वाले नहीं हो, भंडारा खाने वाले होते तो दोपहर में 1 बजे जैसी कथा चालू होती है 12:30 1 बजे पूरे भंडारा खाली हो जाता है। पूरा भंडारे के अंदर जितने भक्त होते हैं सब खाली, मन रोज भोजन नहीं करते, जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं। उनको हम दिख नहीं रहे, हम उनको नजर नहीं आ रहे, बस कानों में आवाज जा रही है और वो आवाज सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं। और उनका एक ही लक्ष्य है कि हम कंकर शंकर की धरा पर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, कुबेरेश्वर महादेव के द्वार पर आए, सीवर वाले महाराज के पास नहीं, प्रदीप मिश्रा के पास नहीं, कुबेर भंडारी के पास आए, कुबेरेश्वर बाबा के पास आए, अपने पिता से बात करने के लिए आए हैं। तो मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबूल मेरी बात सुनेगा जरूर, ये निश्चित है। निश्चित। कल इतनी तेज हवा का बवंडर आया, इतना तेज आया, वो दूर से देखा तो हमने उसी समय पर आप लोगों के साथ में स्तुति गाना प्रारंभ किया।